नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में। क्या होती है कंटेंट राइटिंग और इसको सीखने के लिए क्या कोई स्पेशल डिग्री चाहिए, क्या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई स्किल या कोई कोर्स करना पड़ेगा, या फिर इसको करने के बाद क्या जॉब आपको मिल सकती है, क्या सैलरी पैकेजेस रहेंगे, क्या ग्रोथ की संभावनाएं हैं, और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो अपने काम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसमें हम कितना अर्न करेंगे, तो इन्हीं सभी बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में काफी डिटेल में। तो अगर आप ये सारी जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जो दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल पे, आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पे आपको जानकारी मिलती है रिलेटेड टू मोटिवेशन, अर्निंग और लाइफ में आप किस तरीके से ग्रोथ और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और हमारी एक सीरीज चल रही है अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो उस सीरीज को अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे तो आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हमें कोई समस्या होती है, कोई हमें कुछ जानना होता है या हमारे कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम गूगल पे जाके उसको सर्च करते हैं। तो सर्च करने पे जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो ज्यादातर वेबसाइट्स होती हैं या फिर ब्लॉग्स होते हैं जिनके अंदर हमें अपनी जानकारी मिल जाती है। तो जो जानकारी होती है ये होती है कंटेंट, और इसको जो लोग लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटेंट राइटर। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम गूगल पे चलते हैं और हम टाइप करते हैं बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया टाइप करते ही हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स आ गए। तो ये रिजल्ट्स जो हैं ये कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ ट्रेवल से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, और इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है जिसमें बता रहे हैं कि क्या क्या डेस्टिनेशंस हैं, उन पे कब जाना चाहिए, क्या कॉस्टिंग होगी, इस तरह की तमाम जानकारी हमें मिल रही है, वो हमारा सारा कंटेंट है। और इस कंटेंट को जो प्रिपेयर करता है, लिखता है, उसे हम कहते हैं कंटेंट राइटर। तो कंटेंट के दोस्तों फॉर्म्स होते हैं, टेक्स्चुअल कंटेंट तो एक बहुत जरूरी फॉर्म है, बहुत मुख्य फॉर्म है। इसके अलावा ग्राफिक्स भी एक कंटेंट का फॉर्म है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा इमेजेस के अंदर कुछ लिखा होता है या फिर इमेजेस बना के कुछ एक्सप्लेन किया जाता है तो वो इन्फोग्राफिक्स कहलाते हैं, और वो भी एक प्रकार का कंटेंट है। जो वीडियो जैसे मैं इससे आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ ये भी एक प्रकार का कंटेंट ही है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेंट राइटिंग मटेरियल ही था जो कि हमेशा रहेगा भी, बट वीडियो और ग्राफिक्स का भी काफी इंपॉर्टेंस है जिससे कि हम और डिटेल में जानने के लिए राइटिंग कंटेंट पे जा सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट में जानना है तो हम उसको वीडियो कंटेंट के थ्रू या फिर ग्राफिक्स कंटेंट के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। तो अब ये तो कंटेंट राइटिंग हुआ दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग करने के लिए क्या हमें कोई डिग्री चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो आप कंटेंट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग स्कूल में हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पैशन लिखने का। अगर आप में इंटरेस्ट है कि आप कुछ लिखें या लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। और अगर आपके दिमाग में ये होगा कि हमें लिखना नहीं आता, हम किस तरीके से लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही कंटेंट राइटिंग करिए, आप हिंदी में भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। और एक बार आप कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होने लगेगी। और इस सीरीज में हम आपको काफी सारे ऐसे टूल्स बताने वाले हैं जिन टूल्स की मदद से आप कंटेंट राइटिंग इजीली कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप खुद ही इतना स्किल्ड हो जाएंगे कि आप खुद से कंटेंट लिखने लगेंगे बिना किसी टूल की मदद से। तो दोस्तों अब जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है वैसे वैसे कंटेंट की भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है और कंटेंट राइटर्स की भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब जो है इसके अंदर बहुत सारी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर आप इजीली जॉब कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई या फिर न्यूज चैनल्स हो गए या फिर मीडिया पोर्टल्स हो गए या बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं उनको भी काफी सारा कंटेंट चाहिए होता है और वो भी कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं। इसकी सैलरीज आपकी 15 से लेकर 30,000 रुपए तक होती हैं। इसके लिए करना आपको ये है कि आप कंटेंट लिखना शुरू करिए जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर हो सके तो आप एक ब्लॉग बनाइए और ब्लॉग आपके पोर्टफोलियो की तरह से काम करेगा। आपको अगर ब्लॉग बनाने के बारे में जानना है तो मैं आई लिंक में आपको लिंक दे दूंगा हम लोगों के चैनल के ऊपर, ब्लॉग इजिली आप बना सकते हो, उसके बारे में वीडियो है। आपको उसके लिए कोई कोडिंग या कोई प्रोग्रामिंग आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो दोस्तों आप ब्लॉग अपना बनाएं, इससे आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। अगर आप नहीं ब्लॉग बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट लिखना शुरू करिए और हो सके तो कहीं पे इंटर्नशिप ज्वाइन करिए किसी कंपनी में, वहां से आपको काफी अच्छा कंटेंट लिखने को मिलेगा, काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या स्किल है, क्या लोकेशन है, आपका सैलरी पैकेज डिपेंड करेगा। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, आपके स्किल्स डेवलप होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी हाई होती चली जाएगी, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपको जॉब नहीं करनी है, आप कोई अपना काम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी काफी सारी फील्ड्स निकल के आती हैं। उसमें एक फील्ड ये है जिसे कहते हैं हम फ्रीलांस कंटेंट राइटर। तो फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स कौन होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये मैंने कंपनीज की बात की, ब्लॉगर्स की बात की, इस तरह से छोटी कंपनीज भी होती हैं, उनको भी अपना कंटेंट लिखवाना होता है, बट उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक कंटेंट राइटर हायर करें, ना ही इतनी उनको जरूरत होती है। प्लस जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर उनके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है कंटेंट की, तो वो फ्रीलांस कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करने के लिए आप बहुत सारे पोर्टल्स पे रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे अपवर्क, freelance.com, LinkedIn, Facebook से भी आपको काम मिल सकता है। आने वाले सीरीज के अंदर हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इन पोर्टल्स पे अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से आपको काम मिलता है। इसके अंदर दोस्तों पेमेंट हम लोगों को पर वर्ड मिलती है, तो पर वर्ड पेमेंट रेंज करती है 50 पैसे से लेकर 2 रुपए तक। तो मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिखा 1000 वर्ड का और आप चार्ज कर रहे हैं 1 रुपए पर वर्ड, तो आपको मिले 1000 रुपए। इसी तरीके से अगर आप 2-3 आर्टिकल दिन में लिख लेते हैं इजीली, वो भी अपने टाइम के अनुसार, किसी जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं होके, कोई टाइमिंग आपके ऊपर नहीं है, जिस समय आपको अच्छा लगे उस समय आप लिख सकते हो, तो आप 2-3 हजार रुपए पर डे के कमा सकते हो बहुत इजीली। और दूसरी स्ट्रीम जो इसमें निकल के आती है दोस्तों, वो है ब्लॉगिंग। तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप लोगों को बताना चाहते हो, आपका काफी अच्छा इंटरेस्ट है, तो आप उसके ऊपर एक ब्लॉग शुरू करिए। और उस ब्लॉग का कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बात की टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, तो ट्रैवल से रिलेटेड लोग ब्लॉगिंग करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, इस तरह के तमाम फील्ड हैं जिसके अंदर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। बस आप सोचिए, हर फील्ड के अंदर आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और ब्लॉग के ऊपर आपका आता है ट्रैफिक, और बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसमें अर्निंग जो है हजारों से लेके, लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आपका कंटेंट कैसा है और किस तरह से आप लोगों तक इसको पहुंचा पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग को अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप उसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती ही जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है कंटेंट राइटिंग के बारे में, तो आप आगे के वीडियोस हमारे फॉलो करते रहिए, उसके अंदर हम बहुत डिटेल में बहुत सारे टूल्स भी आप लोगों को सिखाने वाले हैं। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट करिए। संडे को हम एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे यूट्यूब पे, तो आप लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आए और वहां पे क्वेरी करें आपके हर क्वेश्चन का। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका वहीं के वहीं आपको जवाब दे पाऊं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनका भी इसके अंदर फायदा हो पाए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नहीं पता चल पाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।